दुनिया के तमाम देश, तमाम वैज्ञानिक इस वक्त कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी भी वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन मार्केट में अगले साल के शुरू तक ही पहुंच पाएगी। ऐसे में भारत के वैज्ञानिक ने कोरोना की वैक्सीन आने से पहले एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कोरोना को उसके सरफेस पर ही बेअसर कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि अगर आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाते भी हैं और अगर आपको नहीं पता कि कौन संक्रमित है और कौन कोरोना से संक्रमित नहीं है, तो भी आप कोरोना से बच सकते हैं। एक ऐसी डिवाइस बनाई है बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने। क्या कुछ है इस डिवाइस में और किस तरह से काम करती है, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन इस डिवाइस को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस डिवाइस की कीमत 600 रुपए से लेकर 4000 तक रखी गई है। यानी कि अगर आप इसे घर पर लगाते हैं तो इसकी कीमत 600 रुपए होगी और अगर बड़ी जगहों पर लगाना है जैसे कि धार्मिक स्थल, ऑडिटोरियम, तो वहां पर इसकी कीमत 4000 रुपए होगी। यानी कि वहां पर बड़ी डिवाइसेस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इस डिवाइस में ऐसा क्या है कि ये कोरोना वायरस को बेअसर कर सकता है, तो आइए आपको बताते हैं। इस डिवाइस का नाम है स्केलिन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन। इस डिवाइस को अमेरिका और यूरोप की रेगुलेटरी अथॉरिटी से क्लियरेंस भी मिल चुकी है। करीब 3 महीने पहले ही बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने इसे बना लिया था और इसके क्लियरेंस की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अमेरिका और यूरोप की रेगुलेटरी अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलने का मतलब ये हुआ कि इस डिवाइस को वहां पर प्रयोग किया जा सकता है और ये कोरोना के वायरस को बेअसर कर सकती है। अमेरिका की FDA ही मेडिकल उपकरणों को पास करने की परमिशन देता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी से पास होने के बाद इसे ऑर्डर तक मिलने शुरू हो चुके हैं अमेरिका और यूरोप में। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर राजा विजय कुमार, जिनका ये कहना है कि कोरोना जो सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पर खतरा फैलाता है, ये डिवाइस ऐसी जगहों के लिए ही बनी है। हम जैसे लॉकडाउन से अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, उस वक्त ये डिवाइस काफी काम आ सकती है, क्योंकि कोरोना भीड़भाड़ वाली जगहों पर ही लोगों को सबसे ज्यादा होता है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि कोरोना किसी संक्रमित के ड्रॉपलेट्स के किसी स्वस्थ व्यक्ति में ड्रॉपलेट जब जाते हैं उस वक्त कोरोना होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? धार्मिक स्थलों में, अस्पताल में, ऑफिस में, कार में, स्कूल में, मॉल्स में और दुकानों में। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर काम कैसे करता है। दरअसल इस डिवाइस का नाम दिया गया है शाई कोनन। ऑर्गेनाइजेशन टी स्केलन इंडिया ने इसे बनाया है। जिन्होंने इस डिवाइस को बनाया है उनका ये कहना है कि ये पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रॉन्स गतिज ऊर्जा के साथ छोड़ता है। दरअसल ऐसी जगहों पर जहां आपको जाना पड़े और आपको ये मालूम ही ना हो कि कौन कोरोना संक्रमित है और कौन नहीं, वहां पर ये डिवाइस काम करती है। कोरोना संक्रमित से कोरोना वायरस अगर कुर्सी, मेज, दीवार या किसी सरफेस पर आ भी जाए तो ये उस वायरस को वहीं पर बेअसर कर देगा। डॉक्टर राजा विजय कुमार के मुताबिक कोरोना वायरस एस प्रोटीन से बना होता है जो पॉजिटिव होता है और ये अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी से आकर्षित होता है। हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और ये डिवाइस भी बहुत सारी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है जो कि नेगेटिव होते हैं। बस कोरोना वायरस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूज हो जाता है। इस बीच डिवाइस से निकले कई संख्या में यानी कि ट्रिलियंस में इलेक्ट्रॉन वायरस को बेअसर कर देते हैं और ये वायरस मानव शरीर में जाने पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी कि अगर ये वायरस मानव शरीर में पहुंच भी जाता है तो ये काम नहीं करेगा। हालांकि वैज्ञानिक बार बार कहते हैं कि कोरोना संक्रमितों को इस डिवाइस से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। शुरू में ही वैज्ञानिकों ने इसके 3 प्रोटोटाइप बनाए थे, एक अमेरिका, एक मेक्सिको और एक यूरोप में भेजा गया था। ये डिवाइस वायरस को पंगु कर देता है यानी कि अपंग कर देता है। इस डिवाइस को बनाने का ख्याल तब आया जब प्रोफेसर राजा विजय कुमार के ऑफिस में सभी साधारण फ्लू से बीमार पड़ जाते थे। इस साधारण फ्लू को मारने के लिए उन्होंने इस डिवाइस को बनाना शुरू किया, लेकिन उसी बीच कोरोना ने भारत में दस्तक दे दी। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी की थी, इसी को आधार बनाकर ये डिवाइस को बनाया गया। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं, कोरोना वायरस की क्षमता को कम कर देते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के भीतर पॉजिटिव चेंज होते हैं जो नेगेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, एक साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन्स इस वायरस की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। राजा कहते हैं कि अगर आप इसे घर पर लगा ले तो किसी और को कोरोना नहीं होगा। राजा विजय कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इस डिवाइस की टेस्टिंग करने के लिए 3 महीने पहले कहा था, जब भारत में केवल 3 केस थे, लेकिन आज भी उन्हें उत्तर का इंतजार है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप से इसे बनाने के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरह से कोरोना के लिए बनी हुई ये डिवाइस कोरोना के वायरस को सर्फेसेज में बेअसर कर सकती है। लेकिन हम आपको फिर से एक बार बता दें कि जिस तरह से साइंटिस्ट ने ये कहा है कि कोरोना से जो लोग संक्रमित हो सकते हैं उनको ये डिवाइस बचा नहीं सकती, लेकिन कोरोना की वैक्सीन जब तक आती है तब तक ये मार्केट में और दुनिया भर के तमाम देशों के लिए बेहद अच्छी साबित हो सकती है, कारगर साबित हो सकती है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो
कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।